नमस्कार दोस्तों, निकली क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान में मीठे पानी की झीलों के बारे में। हमने कुछ झीलों के बारे में अध्ययन कर लिया, जैसे पुष्कर झील है, जैसलमेर झील है, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम एक और नई झील के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी झील? पिछोला झील के बारे में पढ़ेंगे कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया। आपसे पूछ लिया जाए तो इसका निर्माण कब करवाया गया था? 14वीं शताब्दी में करवाया गया था और राणा लाखा के समय चित्रमल बिंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। तो पिछोला झील का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे 14वीं शताब्दी में 1387 में। 14वीं शताब्दी में कोष्टक में लिख लो 1387 ईस्वी में राणा लाखा के काल में राणा लाखा के काल में चित्रमल बंजारे ने करवाया। तो आपसे पूछ लिया जाए इसका निर्माण किसने करवाया, तो 14वीं शताब्दी में 1387 ईस्वी में राणा लाखा शासक थे और इसका निर्माण किसने करवाया, तो चित्रमल बंजारे ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसको मरम्मत वापिस जीर्णोद्वार का काम किसने करवाया, तो राणा सांगा ने। आपसे पूछ लिया जाए जीर्णोद्वार वापिस किसने करवाया जीर्णोद्वार, तो जीर्णोद्वार वापिस करवाया राणा सांगा ने। किसने? राणा सांगा ने क्या करवाया था, इस झील का टूटने के बाद इसका पुनः जीर्णोद्वार करवाने का काम करवाया था। इस झील को स्वरूप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी झील को? पिछोला झील को। लिखो दोस्तों, इस झील को स्वरूप सागर झील के नाम से जाना जाता है। झील के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए जाना जाता है कौन सी झील को स्वरूप सागर झील के नाम से जाना जाता है, तो पिछोला झील को स्वरूप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस झील के किनारे जग मंदिर व जग निवास होटल स्थित है। इस झील के किनारे जग निवास मंदिर स्थित है। तो जग निवास महल और जग निवास मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है, तो पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। ये बात करते हैं जग निवास मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो जगत सिंह फेस्ट ने, करण सिंह ने तो यह आरंभ करवाया था और जगत सिंह फेस्ट ने इसे पूर्ण करवाने का काम किया था। तो इसका निर्माण आपसे पूछ लिया जाए कब करवाया था, 1620 ईस्वी में। निर्माण 1620 ईस्वी में करण सिंह ने शुरू किया और पूर्ण इसे पूर्ण करो तो किसने करवाया, पूर्ण आपसे पूछ लिया जाए पूर्ण किसने करवाया, तो पूर्ण किसने करवाया, जगत सिंह फेस्ट ने इसे पूर्ण कराने का काम किया। किसका? जग निवास मंदिर का निर्माण कराने का। और जग निवास महल या होटल ये इसका निर्माण जगत सिंह फेस्ट सेकंड ने करवाया था। जगत सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो जगत सिंह सेकंड ने जग निवास महल का निर्माण करवाया था। जग निवास मंदिर का निर्माण आपसे पूछ लिया जाए तो 1620 में करण सिंह ने तो प्रारंभ करवाया था और ये बनकर कब पूरा हुआ था,
तो आज से डेट पूछ लीजिए 1651 में, 1651 में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस झील के ऊपर जग निवास व जग मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ गुजरात अभियान पे जाता हुए जाते समय सांझा यहीं पे ठहरा था। तो लिखो लिखो दोस्तों, गुजरात अभियान, गुजरात अभियान अभियान पर जाते समय, समय साह है यही ठहरा था। तो सांझा ने कहाँ शरण ली थी? गुजरात अभियान पे गए थे तो जग निवास मंदिर में क्या ली थी? शरण ली थी। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि जो 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज भागे थे उन्होंने कहाँ शरण ली थी? तो जग मंदिर में शरण ली थी। लिखो दोस्तों, 1857 की क्रांति से भागे अंग्रेजों ने, क्रांति से भागे हुए 40 अंग्रेजों ने जग निवास मंदिर में शरण ली। जग निवास निवास मंदिर में शरण ली। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति में भागे हुए 40 जो अंग्रेज थे उन्होंने कहाँ शरण ली थी? तो मेवाड़ के शासक था उस समय स्वरूप सिंह ने उसे कहाँ ठहराने का काम किया था? तो जग निवास मंदिर में ठहराने का काम किया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है, तो पिछोला झील पर, इस झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है दोस्तों, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। स्टार लगा लो कि नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है। जैसे घेवर माता का मंदिर हमने पढ़ा था किस झील पर स्थित था, तो राजसमंद झील पर स्थित था जो क्या थी, बिना पति सती हुई थी। उसी प्रकार नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है, तो नटनी का चबूतरा पिछोला झील पर स्थित है। एक बार हम पिछोला झील को देखते हैं, फिर बचे हुए टॉपिक को आगे हम पढ़ेंगे। पिछोला झील का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, आपसे पूछ लिया जाए तो 14वीं सदी में, 1387 ईस्वी में राणा लाखा के काल में। किसके काल में निर्माण हुआ? कराने का काम किसने किया? चित्रमल बंजारे ने किया था। परंतु शासक उस समय आपसे पूछ लिया जाए तो शासक कौन था, तो शासक उस समय कौन था? राणा लाखा शासक था। इसको वापिस से जीर्णोद्वार कराने का काम किसने करवाया? तो वापिस से जीर्णोद्वार कराने का काम पूछ लिया जाए तो राणा सांगा ने क्या करवाया था, वापिस इस पिछोला झील को जीर्णोद्वार कराने का काम करवाया था। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्वरूप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। आपको पिछोला झील ना आकर कौन सा ऑप्शन में आ सकता है? स्वरूप सागर झील भी ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि इसे स्वरूप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। फिर लिखो तो क्या है दोस्तों, इस झील के किनारे जग मंदिर व जग निवास महल स्थित है। जग मंदिर व जग निवास महल, ये जग निवास महल को क्या बनाया गया है? ये वर्तमान में होटल के रूप में संचालित किया गया है। और कैसा होटल? होटल लेक प्लेस के रूप में संचालित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी इसके किनारे पर एक रूठी रानी का महल भी स्थित है। रूठी रानी का महल भी कहाँ है? इस जगनिवास महल के निकट ही किसका महल है? रूठी रानी का महल भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस जगनिवास मंदिर का निर्माण किसने करवाया, आपसे पूछ लिया जाए तो 1620 ईस्वी में करण सिंह ने तो शुरू करवाया था। और शासक पूरा करवाने का काम किसने किया था? जगत सिंह फर्स्ट ने इसे पूरा कराने का काम किया था। कब? 1651 ईस्वी में। बात करते हैं जगनिवास होटल या महल का निर्माण किसने करवाया था, तो जगत सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। गुजरात अभियान के दौरान जाते हुए शेरशाह सूरी ने कहां शरण ली, आपसे पूछ लिया जाए तो जग मंदिर में क्या ली थी? शरण ली थी उस समय। ठीक है, 1857 की क्रांति में भागे हुए 40 अंग्रेजों को कहां शरण दी गई थी, तो 40 अंग्रेज डूबला से भाग रहे थे, स्वरूप सिंह वहां के शासक थे, कहां के? मेवाड़ के। और उन्होंने कहां शरण ली थी, तो इसी जग मंदिर में शरण ली थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस झील का निर्माण
इस झील पर नटनी का क्या स्थित है? चबूतरा स्थित है। तो इस झील पर किसका चबूतरा स्थित है? नटनी का चबूतरा। कौन सी झील पर? पिछोला झील पर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बचे हुए टॉपिक को आगे करेंगे। दोस्तों आगे और बात करते हैं, पिछोला झील पर क्या है? पिछोला झील के ऊपर भारत के, भारत की, देखो दोस्तों, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित नाव स्थित है। सौर ऊर्जा से संचालित नाव, संचालित नाव स्थित है, नाव स्थित है। तो सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम भारत की नाव, ये स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि झील पर स्थित है तो पिछोला झील के ऊपर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस झील के किनारे बागोर हवेली प्रसिद्ध है। इस झील के किनारे पर बागोर हवेली स्थित है। बागोर, ये बागोर कहां पड़ता है? उदयपुर में, उदयपुर में बागोर हवेली स्थित है, स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहीं से ही एक क्वेश्चन आया था अभी पीछे एग्जाम में कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां रखी है? तो बागोर हवेली में। तो बागोर हवेली में लिखो, इस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, तो आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां रखी हुई है? तो बागोर हवेली के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। और बागोर हवेली वर्तमान में कहां पर है? उदयपुर में। और पिछोला झील कहां पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। उदय सिंह ने इस झील के किनारे पर राजमहल, या इसे किस नाम से, सिटी प्लेस के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण करवाया। लिखो दोस्तों, उदय सिंह ने मेवाड़ का शासक था उदय सिंह ने इस झील के किनारे पर राजमहल ओब्लिक सिटी प्लेस का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, किसका निर्माण करवाया? उदय सिंह ने इस झील के किनारे राजमहल व सिटी प्लेस का निर्माण करवाया। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना विंडसर महलों से की है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो दोस्तों लिखो दोस्तों, फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना विडंगर महलों से की है। विडंसर के महलों से की है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस झील के किनारे एक गांव का नाम है, कौन सा गांव? हावला ग्राम शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। तो इस झील के पास कौन सा? हवाला गांव, कई बार पूछा हुआ है, हवाला ग्राम। इस झील के पास हवाला ग्राम शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील के बारे में हमने क्या पढ़ा? यहाँ भारत की प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित क्या है? नाव स्थित है। ये क्वेश्चन मोस्ट है आपके लिए,
भारत की सौर ऊर्जा से संचालित नाव किस झील पर स्थित है? तो पिछोला झील पर। और यह क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बागौर हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और यहाँ विश्व की सबसे बड़ी क्या रखी हुई है? पगड़ी रखी हुई है। तो आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी हुई है? बागौर हवेली उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं उदय सिंह द्वारा राजमहल व सिटी प्लेस का निर्माण करवाया गया। तो एक तो क्वेश्चन सीधा आएगा कि राजमहल व सिटी प्लेस कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो उदय सिंह ने। और फर्ग्यूसन ने इसके बारे में एक कथन कहा था, इसने क्या कथन कहा कि इसकी तुलना किससे की? विडंगसर महलों से राजमहल सिटी प्लेस की तुलना की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस झील के पास हवाला ग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है? शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी झील के पास हवाला ग्राम पड़ता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो पिछोला झील के पास पड़ता है, और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे झीलों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं फतेह सागर झील के बारे में। फतेह सागर झील ये है कहां पर स्थित? पहले क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कहां है, तो कहां है? उदयपुर में। फतेह सागर झील कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर में बात करते हैं फतेह सागर झील के बारे में। तो इसकी नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव ड्यूक ऑफ कन्नौट ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। कब? 1678 ईस्वी में। तो इसकी नींव लिखो दोस्तों, इसकी नींव ड्यूक ऑफ कन्नौट कोष्टक में लिखो 1678 ईस्वी में रखी। ठीक है दोस्तों, कब रखी गई इसकी नींव? ड्यूक ऑफ कन्नौट एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने फतेह सागर झील की क्या रखी थी? नींव रखी थी। इसका निर्माण कराने का काम किसने किया था? तो जय सिंह ने किया था 1688 ईस्वी में इसका निर्माण कराने का काम। लिखो दोस्तों, निर्माण किसने करवाया था? तो मेवाड़ का महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 1688 ईस्वी में। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो जय सिंह ने। नेम किसने रखी? ड्यूक ऑफ कन्नौट ने रखी थी। आगे चर्चा करते हैं कि इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था 1888 ईस्वी में। पुनर्निर्माण, अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पुनर्निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण तो फतेह सिंह ने। इसी के नाम पर फिर इसका नाम रखा गया फतेह सिंह में। कब? 1888 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो 1688 ईस्वी में तो जय सिंह ने क्या करवाया था इसका? 1688 ईस्वी में तो जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नीम 1678 ईस्वी में रखी गई थी, और पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था ये उदयपुर में। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कन्नौट बांध के नाम से जाना जाता है। तो लिखो दोस्तों, इस झील को कन्नौट बांध के नाम से जाना जाता है। कन्नौट बांध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं इस झील के किनारे सुभाष उद्यान स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए सुभाष उद्यान किस झील के किनारे पर स्थित है? तो फतेह सागर झील के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस झील पर भारत की प्रथम सौर वेधशाला स्थापित की गई। इस झील पर भारत की प्रथम सौर वेधशाला स्थापित की गई। सौर वेधशाला स्थापित की गई। तो आपसे पूछ लिया जाए भारत की प्रथम सौर वेधशाला किस पर स्थापित की गई? तो फतेह सागर झील पर भारत की प्रथम सौर वेधशाला। यह क्या है दोस्तों? सौर वेधशाला है। ध्यान में क्या रखना है, मैंने पीछे ही आपको एक झील पढ़ाई है, कौन सी झील? पिछोला झील पढ़ाई थी।
वहां क्या थी, सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नाव थी, और ये क्या है, सौर वेधशाला। तो इनका दोनों में कंफ्यूजन मत होना, फतेह सागर झील पर तो सौर वेधशाला स्थापित की गई है भारत की, और भारत की प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित नाव पिछोला झील पर स्टार्ट की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस झील के पास मोती मगरा नामक पहाड़ी स्थित है। इस झील के पास मोती मगरा पहाड़ी स्थित है। इस पर महाराणा प्रताप का स्मारक स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए, एक तो महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ स्थित है, तो मोती मगरा पहाड़ी पर स्थित है, और मोती मगरा पहाड़ी कहाँ स्थित है, पिछोला झील के किनारे पर मोती मगरा पहाड़ी स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस झील के पास फतेह सागर बांध स्थित है। इस झील पर फतेह सागर बांध स्थित है, जिस पर मेवाड़ का शासक संग्राम सिंह सेकंड था, जिसने सहेलियों की बाड़ी का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो लिखो दोस्तों, इस झील पर फतेह सागर बांध स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए, फतेह सागर बांध किस झील पर स्थित है, तो फतेह सागर झील पर स्थित है, और इस पर संग्राम सिंह सेकंड ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। तो आपसे पूछ लिया जाए, सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है, तो फतेह सागर झील के ऊपर स्थित है, जिसका निर्माण फतेह सागर बांध के ऊपर करवाया था। और किसने करवाया, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह सेकंड हुए थे, उन्होंने क्या करवाया था, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, ये थी आपके सामने फतेह सागर झील में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार फिर से देखते हैं। फतेह सागर झील कहाँ है, उदयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण तो जयसिंह ने करवाया था 1688 ईस्वी में, और पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो पुनर्निर्माण भी मेवाड़ के शासक फतेह सिंह ने करवाया था 1888 ईस्वी में। बात करते हैं, इस फतेह सागर झील की नींव किसने रखी थी, तो शुरुआत किसने की थी नींव की, तो इसकी नींव एक अंग्रेज अधिकारी था, ड्यूक ऑफ कन्नौट ने 1678 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। ये पड़ती कहाँ पे, उदयपुर में है। इस झील को कन्नौट बांध के नाम से भी जाना जाता है, जैसे पिछोला झील को स्वरूप सागर झील के नाम से जाना जाता था, इसी प्रकार इसे फतेह सागर को कन्नौट बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस झील के किनारे सुभाष उद्यान स्थित है। तो आपसे कुछ सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुभाष उद्यान किस झील के ऊपर स्थित है, तो सुभाष उद्यान फतेह सागर झील पर स्थित है। इस झील पर भारत की प्रथम सौर वेधशाला स्थापित की गई। तो आपसे पूछ लिया जाए, भारत की प्रथम सौर वेधशाला किस झील पर स्थापित की गई, तो फतेह सागर झील के ऊपर स्थापित की गई। इस झील के किनारे पर एक मोती मगरा पहाड़ी स्थित है। मोती मगरा पहाड़ी पर किसका स्मारक है, आपसे पूछ लिया जाए, तो महाराणा प्रताप का मोती मगरा पहाड़ी पर स्मारक बना हुआ है, और वो कहाँ पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस झील पर फतेह सागर बांध स्थित है, तो फतेह सागर बांध फतेह सागर झील पर स्थित है, और इस पर संग्राम सिंह सेकंड ने क्या करवाया था, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके सामने फतेह सागर झील। दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम एक और झील पढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बात करते हैं सिलसेट झील कहां स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए, कहां है, तो सिलसेट झील अलवर में है। कहां पर है, अलवर में। आपसे पूछ लिया जाए, इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया, अलवर का महाराणा था विनय सिंह ने क्या करवाया था, निर्माण करवाने का काम करवाया था।
तो विनय सिंह ने क्या करवाया, सिलसेट झील का निर्माण करवाया। और सिलसेट झील है कहां पर, अलवर में। इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का नंद कानन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट है आपके लिए, स्टार लगा लो। इस झील को राजस्थान का नंद कानन कहते हैं। तो इस झील को राजस्थान का क्या कहते हैं, नंद कानन कहा जाता है। कौन सी झील को, सिलसेट झील को कहा जाता है। सिलसेट झील कहां पर है, अलवर में है। इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, इस पर 6 मंजिला शाही महल स्थित है। लिखो दोस्तों, इस झील पर 6 मंजिला शाही महल है जिसे वर्तमान में होटल लेक प्लेस भी कहते हैं, जिसे वर्तमान में होटल लेक प्लेस कहते हैं। तो कहते हैं, ये बात करें होटल लेक प्लेस किसे कहते हैं, तो शाही 6 मंजिला शाही महल है, किस झील पे, सिलसेट झील पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप दोस्तों आगे बात करते हैं। यह झील किसके लिए प्रसिद्ध है, मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो मत्स्य पालन के लिए यह झील मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यह मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। यहां राज्य सरकार द्वारा मत्स्य बीज फार्म स्थापित किया गया। बीज फार्म स्थापित किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए, मत्स्य बीज फार्म कहां स्थापित किया गया है राज्य सरकार द्वारा, तो सिलसेट झील पर मत्स्य बीज फार्म स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, बीज फार्म स्थापित किया गया। आगे बात करते हैं, आरटीडीसी द्वारा इस पर नौकायन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस झील पर आरटीडीसी द्वारा नौकायन सुविधा उपलब्ध करवाई गई। तो आरटीडीसी द्वारा किस झील पर नौकायन सुविधा उपलब्ध करवाई गई, तो सिलसेट झील के बारे में एक बार हम वापस से देखते हैं कि सिलसेट झील कहाँ स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए, तो सिलसेट झील अलवर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण विनय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, नंद कानन कहते हैं। क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, किस झील को राजस्थान का नंद कानन कहते हैं, सिलसेट झील को। इस झील पर 6 मंजिला शाही महल स्थित है, और वर्तमान में उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में इसे होटल लेक प्लेस के नाम से जाना जाता है। यह झील किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मत्स्य पालन के लिए। कौन सी झील प्रसिद्ध है, सिलसेट झील प्रसिद्ध है। और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने क्या किया है, इन पे मत्स्य बीज फार्म स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, क्या स्थापित किया गया, मत्स्य बीज फार्म स्थापित किया गया। कौन सी झील पर, सिलसेट झील पर। और इस झील पर ही आरटीडीसी द्वारा नौकायन सुविधा उपलब्ध करवाई गई। तो नौकायन सुविधा आपसे पूछ ली जाए, तो किस झील पर उपलब्ध करवाई गई है, सिलसेट झील पर, और किसके द्वारा, आरटीडीसी द्वारा करवाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे दोस्तों। आगे की जो बची हुई झीलें हैं उसको अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली भर्तियों के जितने भी नोटिफिकेशन है और उसकी सूचना जो है
जितने भी हमारे क्लासों के नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।